मौसम बड़ा खुशनुमा है, बादल छाए हैं, बारिश की हल्की बूंदाबांदी में हम निकल पड़े हैं आबू धाबी से रास अल खैमा की ओर, जहां पर्वतों की ऊंची श्रृंखला है। यूएई के सात अमीरात में एक अमीरात है रास अल खैमा, जहां हम प्रकृति की अद्भुत सुंदरता की सैर करेंगे। तो आप भी हमारे साथ इस सफर का आनंद लीजिए। दुबई शारजा को पार करके हमारा सफर आगे बढ़ रहा है। शहर में पहुंचते ही दूर से ही पहाड़ों के कोहरे में डूबी धुंधली सी छवि दिखने लगती है। इस सुंदर दृश्य ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, कुछ पल हमने यहाँ बिताए। यह समंदर की खाड़ी है जो नदी की तरह दिख रही है। रेगिस्तान के ये पेड़ ऊंटों को भोजन प्रदान करते हैं, साथ ही पंछी और राहगीरों को छाया देते हैं। तपती धूप में जीवित रहने के लिए इन पेड़ों ने खुद को छतरी जैसे आकार में ढाल लिया है। इस पेड़ के नजदीक ही एक पेड़ था जहां चिड़ियों की बस्ती दिखी। पूरा पेड़ घोंसलों से लदा था। मेरे रुकने से इन चिड़ियों की चहचहाट बढ़ गई। बेहतर है इन्हें अकेला छोड़ना, हम वहां से निकल पड़े। अबू धाबी से रास अल खैमा तक कार से 3 घंटे का सफर तय करके हम इन वादियों में पहुंच गए। हल्के पीले रंग के पर्वतों को प्रकृति ने ऐसा तराशा है मानो इन पर सुंदर कलाकृति उकेरी हो। कहीं मानवाकृति प्रतीत होती है तो कहीं भूमितीय आकार में उकेरी हुई नक्काशी, जो है उसमें समाधान मानना कोई इस पेड़ से सीखे, कैसा चिलचिलाती धूप में भी खुशी से झूम रहा है। हमें जेबल जेस पर्वत की चोटी तक पहुंचना है। जेबल जेस यह पर्वत यूएई में सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 6,315 फीट है। टाटा, बाय बाय।
हमें भी भूख लगी। होटल में खाना खाने से अच्छा हमने खाना साथ में लाया। इन पहाड़ों की छाया में बैठकर खाना खाने में बड़ा मजा आया। यहाँ स्लाइडर की भी सुविधा है जिसका लोग आनंद ले रहे थे। हम पर्वत की चोटी पे पहुंच गए। यहाँ से बड़ा ही मनोहारी दृश्य दिख रहा था। हवा में ठंडक भी थी। अबू धाबी से निकले तब तापमान 38 से 40 था और यहाँ का तापमान 23 है। यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी जिप लाइन है जो 2018 में शुरू हुई। दिन भर सूरज हमारा पीछा कर रहा था, अब वो भी विदा लेने की तैयारी कर रहा है। सभी की नजरें सूर्यास्त पर टिकी हुई थी। आकाश में रंग बिखेर कर सूरज पहाड़ों में छिप गया। यहाँ की सुनहरी यादें लेकर हम भी घर की ओर निकल पड़े।